कि आपने इब्ने उमर का कौल जो आपने बयान किया कि वो ख्वारिज के पीछे नमाज को जायज समझते थे ये रवायत मुनकते है इमाम बुखारी का भी यही कहना है और नाफे की मुलाकात ही साबित नहीं उसकी रवायत बिल्कुल ठीक है जी जी साहब ने उसके ऊपर ताकिम लगाई भी है और सिर्फ उसकी रवायत हकीम में मौजूद नहीं है तबका इबर साथ के अंदर भी मौजूद है इमाम बुखारी अगर किसी के ऊपर करे वैसे तो मेरे में नहीं है इसका ये मतलब नहीं होता कि वो हो बारहा मतबा सईदनाबन उमर रदी अल्लाह के हवाले से असल से ये रिवायत बयान कर चुका कि सयदना अब्दुल्ला इबन उमर रदी तन खबारज के पीछे और खशबिया मुख्तार सख् के मानने वालों के पीछे नमाज़ पढ़ लिया करते थे और उनके सलाम का जवाब भी दिया करते थे मैंने मिर्जा ज़िली को इलमी चैलेंज किया कि मिर्जा जिलमिया में कोई इलमी दमखम है इसके अगर फॉलवर्स में कोई इलमी दमखम है तो इस रिवायत को सही साबित करें यह रिवायत जाली रिवायत है बकौल मिर्जा ये जाली रवायत है मिर्जा के अंदाज़ में मिर्जा की जबान में बात कर रहा हूँ कि ये रवायत सही नहीं है ज़ीफ़ रवायत है जाली रवायत है क्योंकि इसमें मरकजी राविया यूनुस बिन उबैद वो नाफे से अन के साथ रिवायत कर रहे हैं और यूनुस बिन उबैद का नाफे से हदीस सुनना साबित ही नहीं है इमाम बुखारी इमाम इमाम अबू दाऊद इमाम अबू हातिम इमाम अली बिन मदीनी इमाम अहमद बिन अबल इमाम माइन ये सारे आयमा मुहदसिन के हवाला जात मौजूद है वो कहते हैं कि यूनुस बिन उबैद ने नाफे से हदीस नहीं सुनी नाफे से हदीस सुनना ही साबित नहीं है और मिर्जा जिलमी अब उस इलमी चैलेंज का जवाब देने के लिए बैठा सवाल हुआ कि यह रवायत मुनकते है और तुमने तो अपने कई लेक्चर्स और बयान में बड़ा सीना तान के इसको पेश किया है तो इसका जवाब तो ये रवायत मुनकते है बिन बिनुबल का नाफे से हदीस सुनना साबित नहीं है तो जनाब इसका जवाब दे रहे हैं कि नहीं ये रवायत बिल्कुल ठीक है ये रवायत बिल्कुल ठीक है अब ये रिवायत बिल्कुल ठीक है सवाल ये पैदा होता है कि ये ठीक है मुहदसिन की कौन सी असलाह है मकबूल रिवायात जो हैं उनके जो तबकात और दर्जात मुहदसन ने बयान किए हैं सही ले जाते ही सही ले गैर ही हसन ले जाते ही हसन गैर ही ये ठीक है कौन सी असलाह है किस मुहदस ने यह अला जारी की है कि किसी अदीज को सही साबित करना तो उसे कहें ठीक है जी तुम हदीस का दर्जा बयान करो कि यह हदीस सही ले जाती है सही असल गह रही हैह रही है। कहता ठीक है जी और शेख जुबैर साहब ने इस पर तहकीम की है ये शेख जुबैर साहब ये पंद्रहवीं सदी में बहाबियों के मौलवी हैं बहाबियों के मौलवी की अंधी तकरीरद में मिर्जा कहता जी शेख जुबैर साहब ने तहकीम की है और क्या तहकीम किया है क्या शेख जुबैर तुम्हारे इमाम ने जिनको तुम मामू कहते हो तुम्हारे इमाम ने इस बात का जवाब दिया है कि बिन उबैद का से समाज साबित किया है जब अजिल्लाहदीन बुखारी तिर बिर अबू हाथिम अहमद ने नाफे से अधीज नहीं सुनी तो पंद्रह मौलवी के पीछे अंधी तकलीद करके कहते हो शेख जुबैर सब ने तहकीम की है क्या शेख जुबैर तुम्हारे इमाम ने इसका जवाब दिया नहीं जवाब दिया तो फिर अंधी तकलीफ़ क्यों करे गिरवैद जा लिया अच्छा फिर कहता है कि शेख